नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। कुशीनगर थाना कसिया में पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग उपस्थित रहे। बैठक में कसिया एसडीएम देश दीपक सिंह ने कहा कि आगामी त्योहार बकरा ईद है, ऐसे में लोगों को अपने घरों में ही नमाज अदा करना है, किसी सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोरोना महामारी अपना जाल फैलाना बंद नहीं किया। श्री सिंह ने बताया कि जिनको कुर्बानी करनी है वह अपने घरों में ही करें, सार्वजनिक स्थल पे नहीं करेंगे। कसिया क्षेत्राधिकारी नितेश प्रताप सिंह ने बताया, शासनादेश का पालन हर व्यक्ति को करना है, उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बीमारी है, इसके कारण इस बार सामूहिक रूप से कोई नमाज ना अदा की जाए। आप अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ नमाज अदा करें और परिवार के साथ ही खुशियां बांटें। अक्सर ये भी देखा जाता है कि आप लोग जो प्रतिबंधित पशु ना काटें, बाकी जो भी आप नियमानुसार जो आज तक आप लोगों ने बलि देते रहे, जो करते रहे, उसको कुर्बानी देते रहे आप लोग। प्रतिबंधित पशु को कुर्बानी मत दीजिएगा, नहीं तो था वो फिर प्रधान जी ने की गई है। हमारे सीओ साहब, हमारे एसओ साहब सब यहाँ एकत्र हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए थे। मुस्लिम समुदाय के भी व्यक्ति थे और हिंदू समुदाय के भी व्यक्ति थे। मुख्यतः दो बिंदुओं पर चर्चा की गई है और उनको समझाया गया है कि नमाज कैसे अदा करनी है। नमाज के संबंध में बताया गया है कि वो घरों पर ही नमाज अदा करेंगे, किसी सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं अदा की जाएगी, और कुर्बानी के संबंध में जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार उनको समझा दिया जाए। कुर्बानी कैसे किया जाएगा सर? कुर्बानी अपने घरों में ही करेंगे, कोई किसी जगह बाहर कोई कुर्बानी नहीं की जाएगी। कुशीनगर ब्यूरो चीफ उमर फारूक अंसारी की रिपोर्ट।